देख रहे हो वो जो व्हाइट कलर का लाइनिंग दिख रहा है ना, वो है रोड, समझ रहे हो? और भाई हम लोग है यहाँ पे यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज्यादा लाइफ में, समझ रहे हो आप? तो राइड्स की तो दूर की बात, मैं ना नॉर्मली वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ रेगुलर। आज शुरुआत 1 2 3 4 सिनेमैटिक। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। एंड इस ब्लॉग की शुरुआत गाइज फाइनली हमारे घर से हो रही है। एंड द थिंग इज गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे, एंड पलना डैम का राइड है गाइज। एंड आज प्लानिंग है हमारे बाइक के साथ, बाइक एंड पल्सर, मतलब कि R15 एंड पल्सर जाएगा। राज भी अभी आ रहे हैं जस्ट, फटाफट से हम लोग पैकिंग वुकिंग कर चुके हैं। एंड बाइक यहाँ पे फुल पावर रेडी हो चुकी है गाइज। का वो वेस्ट बंगाल का राइड भी आई थिंक थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट 20 फिलहाल आज का गाइज प्लान ये है कि फटाफट से पलना डैम जाना करना है, वहाँ पे थोड़ा मोड़ा सूट है एंड बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो फटाफट से करते हैं एंड मिलते हैं आपसे। सो फाइनली गाइज, अभी हम लोग रुके थे यहाँ पे जहाँ से हम लोग डेली स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हर बार का व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पेट्रोल पम्प पे हम लोग पेट्रोल भरा चुके हैं, तो फटाफट से आज यहाँ से राइड शुरू हो रहा है। फिलहाल राज भैया आ चुके हैं एंड अभी फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 11:30 हो चुका है, ग्यारह हो चुका है एंड 30 किलोमीटर दूर है, तो फटाफट से कवर अप करते करते फिलहाल अभी हम लोग हैं गमरिया में एंड निकलते हैं एंड मिलते हैं आपसे गाइस फटाफट से। सो गाइस, फाइनली हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग राज भैया का चैनल विजिट करके देख सकते हो गाइस, आज क्या पोपट हुआ हमारे साथ। फिलहाल गाइस फ्यूल मेरे को लग रहा है भराना पड़ेगा, क्योंकि पलना डैम बहुत ही दूर है एंड यहाँ पे 2 पॉइंटर्स दिखा रहे, बस वो 3 पॉइंटर हो गया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल गाइस कर रहे हैं राज भैया माउंट एंड फटाफट से निकलते हैं गाइस हम लोग, क्योंकि आज शुरुआत थोड़ा सा ख़राब हुआ है, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी में तो कलिक्स खोते रहते हैं ना गाइस। सो गाइस, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई रॉकी भाई आजकल व्लॉग्स नहीं आ रहे रेगुलर, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? बट मैं बोलना चाहता हूँ गाइस, यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा लाइफ में, समझ रहे हो आप? तो राइड्स की तो दूर की बात, मैं ना नॉर्मली वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ रेगुलर, तो वही प्रॉब्लम है। एंड फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे कैंड्रा में एंड भाई क्या रिएक्शन आ रहा है भाई, क्रेजी, थोड़ा सा धूल उड़ता हुआ बट मस्त भाई, मस्त। एंड आज का मौसम ना गाइस बहुत क्रेजी है, और मस्त वाली धूप भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है, हल्की हल्की ठंड एंड जिंदगी झंड। तो फिलहाल गाइस राज भैया आज हमें हेल्प किए, वेरी नाइस, आज क्या हर बार ही हेल्प करते हैं राज भैया, बट यार इनके साथ ना मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से हम लोग राइड कर रहे हैं कंटिन्यू साथ में। एंड मतलब ये वो बंदा है ना कि भाई मतलब हर चीज़ में साथ देंगे। नहीं नहीं अभी है, 3-3 काटा है। तो फिलहाल भैया पूछ रहे थे कि यार फ्यूल अप करा ले लो, बट फिलहाल 3 काटा तो दिख रहा है, सही से पहुंच जाएंगे, 20 किलोमीटर्स बाकी है, फटाफट से चलते हैं। क्योंकि ना ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं, थोड़ा सा तो लेट हैं हम लोग, और ये रास्ते ना बहुत बहुत मस्त है भाई, बहुत बेहतरीन। फिलहाल गाइस क्या हुआ, नींद आ रहा क्या? साइड क्यों हो जा रहा है, नींद आ रहा? वही हम बोले क्या हो गया भाई, वेट गाइस, ओ भाई क्या हो गया, बंद हो गया, ओ भाई गाइस बैटरी हो चुका है फुल पावर ख़त्म अभी से ही, समझ रहे हो आप? फिलहाल हम लोग हैं जंगल में, और जंगल में शेर आएंगे
भाई क्या ही ठंड लग रहा है भयंकर। अभी भी 15 मिनट बाकी है गाइस, 15 किलोमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर्स बाकी हैं। फिलहाल यहाँ का रास्ता ना बहुत ही मस्त है यार, बहुत औसम है। यहाँ पे मैंने पिछले बार रील भी शूट किया था इधर, इस तरफ। फाइनली गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है राइडिंग करते हुए, और बहुत दिनों बाद गाइस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10-12 दिन बाद। तो भाई बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ आज का शुरुआत तो थोड़ा दिक्कत वाला था, बट मज़ा आया राइड में, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। मतलब ऐसे मज़े आ गए ना आज मैं बता नहीं सकता, वो तो राज भैया को ही पता है। फिलहाल रिएक्शन थोड़ा सा चेक करें गाइस, थोड़ा सा रिएक्शन, समझ रहे हो आप। फिलहाल फिलहाल ना बहुत दिन से बनी वाला हेलमेट सूट नहीं हुआ है राइट, बनी वाला हेलमेट भी, उसके लिए भी रिएक्शन सीट सूट होगा अलग से। तो हम लोग को लेना है ऑलमोस्ट लेफ्ट एंड हाईवे में चढ़ना है राइट। तो गाड़ी वाड़ी आ नहीं रही है, फुल करते हैं। भाई फोन पे फोन आ रहा है मेरा, थोड़ा सा फुल करने गया भैया, फोन आ गया। गाइस आप लोग कमेंट में बताओ यार, किन कौन से स्टेट से हो आप लोग कौन से स्टेट से देख रहे हो, और वहाँ पे ठंड कैसी है, क्योंकि हम हमें कहाँ से राइट मुड़ना है ना मेरे को पता भी नहीं है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे गाड़ियाँ रॉन्ग में चल रही है, देखो ये देखो। भाई साहब, सो गाइस फाइनली पल्ला डैम का रास्ता यार बहुत ओपी है भाई, क्या ही भयंकर अप्स आ रहे हैं। और ये चेक करे पीछे का ना यार, और बहुत सही दिख रहा है भयंकर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पल्ला डैम। ओ भाई 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 भाई, भाई। क्या लग रहा है भाई, बहुत सही। सो फाइनली ऐसा कुछ तो बना हुआ है नहीं, बट बहुत ही अच्छा जगह है यार, बहुत ही अच्छा जगह है, क्या ही शांत इलाका। तो हम लोग जी फाइनली गाइज अभी हम लोग पहुंचे थे पल्ला डैम। एंड द थिंग इज गाइज, आपको नज़ारे चेक कर रहा था गाइज, फटाफट से गाइज ये चेक करें भाई साहब, इतनी खूबसूरत जगह है ना भाई, मैं बता नहीं सकता। और सबसे सबसे खूबसूरत ना गाइज ये बाइक एंड सन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सन, क्योंकि क्योंकि यार ठंड के मौसम में ना सबसे मज़ा आता है धूप में बैठे रहना, बात बात करना। बट यार आज हम लोग बहुत दिनों बाद राइड में आए, तो मज़ा सा आ रहा है, एंड धूप भी बहुत ही मस्त है। एंड भैया भी अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो फटाफट से गाइज हम आपको सिनेमैटिक चेक कराते हैं गाइज, 1 2 3 4 सिनेमैटिक। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियां गिराते हैं, और तू ही मेरे दिल की रज़ा है, तेरे बिना दिल भी कपाट। सो गाइज आपको सिनेमैटिक चेक करके कैसा लगा गाइज, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड द थिंग इज़ गाइज, सन का रे थोड़ा सा हार्ड है, तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा पीछे तरफ, एंड वहाँ पे अपना सिनेमैटिक शूट कराए रहेंगे। एंड फटाफट से निकलते हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे सामान सुमन बाइक वाइक ऑलमोस्ट यही रख के जाएंगे, या तो लेके जाएंगे, देखते क्या होता है। फिलहाल यार यहाँ का जगह बहुत ही औसम औसम है, आप लोग भी अगर आ सकते हो पिकनिक विकनिक पैलेस के लिए, बहुत ही अच्छा जगह है। फिलहाल गाइज चलते हैं उधर एंड दिखाते हैं आपको। सुंदरा मेरे पास है, अब बैठे हैं हम भी यहाँ, दिल के दरमियाँ बारिशें बारिशें हैं, तेरी बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया।
के दरमियां। लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे एंड बाइक हमने वहाँ पार्क किया हुआ है नीचे में, एंड अभी फ़िलहाल अभी ऊपर का रास्ता, यहाँ का सिनेमैटिक भी हम लोग चेक करेंगे। फ़िलहाल बहुत ही मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा चढ़ाव तो है बट एडवेंचरस है भाई। ये चेक करें भाई, ये चेक करें। ओ भाई साहब कितना स्ट्रिप है, देख रहे हो, यहाँ से अगर वहाँ गया ना भाई ख़त्म। वहाँ पे ओ भैया आ जाइए। तो गाइस फटाफट से ऊपर चलते हैं, वहाँ देखो दूर देखो बकरियाँ इंतज़ार कर रही है, बोल रही है आओ भैया आओ हमारा भी वीडियो ले लो। तेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ तेरी खुशी। सो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं ऊपर, एंड द थिंग इज गाइज यहाँ पे ना ऊपर में एक छोटा सा मंदिर है गाइज भोलेनाथ जी का, तो बहुत ही खूबसूरत से जगह में इतनी अच्छी मंदिर। तो फिलहाल गाइज यहाँ से ना ऑलमोस्ट सीन कुछ अलग ही दिख रहा है, बट आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट ये चेक करें गाइज, ये ना जंगल वाला दिख रहा है आपको, बट ये अगर पेड़ नहीं होता पता ना पूरा डैम यहाँ से दिखता आपको। ये हम लोग टॉप में है अभी, और ये चेक करें नीचे आपको दिखा रहे हैं नीचे, ये चेक करें गाइस, ये चेक करें भाई साहब, देख रहे हो वो जो वाइट कलर का लाइनिंग दिख रहा है ना, वो है रोड, समझ रहे हो। और भाई हम लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही औसम जगह है गाइस, अगर आप लोग पिकनिक विकनिक का प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे एक बार आओ, अच्छा जगह है, शांति सा है, एंड ऑलमोस्ट लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो फिलहाल बहुत ही अच्छा जगह है, मजा आया। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद की रातें, और तू ही मेरे। थिंग इज गाइस हम लोग यहीं पर ही व्लॉग को एंड कर देंगे, क्योंकि गाइस ऑलमोस्ट व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एंड मिलते हैं गाइस एक नए तड़कते भड़कते व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ, एंड आज की व्लॉग यार बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, फिलहाल आज का व्लॉग पलना डैम का था तो बहुत ही मज़ा आया। नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं हम लोग कहाँ का शूट कर पाते हैं, फिलहाल गाइस थोड़ा सा गैपिंग तो बन रहा है बट कोई बात नहीं, हम लोग कवर अप कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे अपनी सूसी खड़ी है एंड भैया भी है, एंड बाइक लेके अभी फिलहाल हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो मिलते हैं नए एक तड़कते भड़कते व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइज। आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे, बाय बाय। तेरी आँखों का काजल ना फैले।